तो गाइस जिन लोगों को 3D शोल्डर चाहिए उनके लिए ये वीडियो है। तो है गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं जय ज्योति, आपका दोस्त। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, साइड डिशेज आपको लेटरल डेल्टोइड जो है वो ट्रेन करने में बहुत ही हेल्प करता है। मीडियल डेल्टोइड जिसको कहते हैं, तो उसको ट्रेन करने में बहुत हेल्प करता है। वो ग्रो करेगा आपको साइड डिशेज से ही। तो साइड डिशेज आपको लगाना है 4 सेट, 12 से 15 रेपिटेशन रहेगा उसका। हो सके तो लास्ट सेट में थोड़ा रेपिटेशन बढ़ा दीजिएगा, फेलियर तक चला जाइएगा और ड्रॉप सेट कर लीजिएगा, तो उसमें आपको मसल कंट्रेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो गाइस, डंबल शोल्डर प्रेस आपको 3 सेट लगाना है, 3 से 4 सेट, और रेपिटेशन रहेगा आपका 10 से 12 रेपिटेशन। एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं डंबल शोल्डर प्रेस में, ये जो एल्बो है वो बहुत ही वाइड ले लेते हैं बाहर की तरफ। वो नहीं लेना है आपको, थोड़ा अंदर रखना है एल्बो और ऐसे खींचना है ऊपर की तरफ, थोड़ा अंदर रखना है, बाहर की तरफ नहीं जाना है। आपको बेसिक मूवमेंट जो है 4 बेसिक मूवमेंट, बारबेल प्रेस और डंबल प्रेस, साइड रेजेस और शक्स, ये 4 बेसिक मूवमेंट आपको हमेशा आपका शोल्डर वर्कआउट में रखना ही है। बाकी आप एक दो वर्कआउट आपका फेवरेट वर्कआउट जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये 4 मूवमेंट आपको स्किप नहीं करना है। शोल्डर प्रेस आपको लगाना है 4 सेट 12 रेपिटेशन, 10 से 12 रेपिटेशन करके। हर सेट में हो सके तो आप 2.5 से 5 kg आप इंक्रीज करते रहिएगा, ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है वो मेंटेन हो जाएगा। तो है गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक कमेंट करना ना भूले, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहेगा। कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट।